जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आपला देश स्वातंत्र्य झालाय त्यानिमित्ताने मी सर्व मुंबरावासियांना देशवासियांना स्वातंत्र्याच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आपला मुंबरा जे आहे हे पूर्ण देशाच्या पाठीवर राष्ट्रीय एकात्मतेचं फार सुंदर उदाहरण आहे। सर्व जाती एकमेकासोबत एकदम भावाप्रमाणे राहतात, पुन्हा गोविंदाने नाचतात, सर्व एकमेकांचे सण साजरे करताना एकमेकाला कोऑपरेट करतात, कुठलेही कोणामध्ये वादविवाद नसतात। आणि जर तसं काही प्रश्न निर्माण झाला छोटा मोठा तर सर्व त्या मुंबईमध्ये जे नेतृत्व आहे दोन्ही तिन्ही समाजांचं ते सर्व नेतृत्व कोऑपरेट करतं। जातीय सलोखा जो आहे तो राखण्यासाठी सर्वजण मदत करतात, प्रशासनाला फार मदत करतात। मुंबरावासियांनी भविष्यात असंच राहावं, सर्वांनी जातीय सलोखा राष्ट्रीय एकात्मता जोपासावी आणि राष्ट्राच्या उन्नतीमध्ये सर्वांचा सहभाग असावा अशा मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। आणि मुंबरा हे एक उदाहरण आहे, एवढ्या सर्व जाती एकमेकांसोबत राहून जातीय सलोखा निर्माण करता, राष्ट्रीय एकात्मता जोपासता। खरंच मी इथे ड्युटी करायचं मला फील आपलेलं आहे इतक्या चांगल्या गावामध्ये। आणि इथे जे सर्व गोरगरीब समाजाचे जे इतरच जे सर्व समाजाचे गोरगरीब जनता आहे, अतिशय कष्ट करून पोट भरणारे लोक आहेत, त्यांचा राष्ट्रीय उन्नतीमध्ये फार चांगला सहभाग आहे। भविष्यात त्यांनी राष्ट्रीय कार्यासाठी असंच योगदान द्यावं असं मी स्वातंत्र्यदिनी सर्वांना शुभेच्छा देतो। पत्रकार बांधव सुद्धा प्रत्येक वेळेस गावाची शांतता एकात्मता राखण्यासाठी प्रशासनासोबत राहत आहे। आणि कोणी काही चुकत असलं तर पत्रकार बांधव आम्हाला सांगत असतात, तर पत्रकार बांधवांना पण खूप शुभेच्छा देतो। असंच कार्य करा, आपल्याकडनं समाजाचं देशाचं असंच कार्य घडो अशा मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, जय हिंद। 15 अगस्त की तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हीरा भाई, हमारा देश तरह तरह के फूल जिस तरीके से एक बागीचे में खिलते हैं उसी तरीके से हमारे देश में हर समाज के लोग रहते हैं। और हमारा देश इतना खूबसूरत है, यहाँ का कानून इतना खूबसूरत है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको दिया है कि तमाम मजाहिब के लोग
आपस में मिलजुल करके रहे और ये देश की आजादी है। तमाम मजहब के लोग, कोई एक मजहब का नहीं, तमाम मजाहब के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और अपने मुंह को आजाद कराया। इसमें तमाम लोगों का खून शामिल है, लेकिन कुछ लोग हमारे देश में इस अमन और शांति को खराब करना चाहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा लोग जो हमें पसंद है, जिसकी वजह से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता बरकरार है, यह हमारे देश की खूबसूरती है। हम तमाम बच्चों से कहना चाहते हैं कि बच्चों, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। जब भी मुल्क का नाम आ जाए और वतन के लिए कुर्बानी देने की बात आ जाए, तो हम तमाम लोगों को सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। यह हमारा मिशन होना चाहिए। हमारी जान अगर गई देश के लिए तो हम शहीद कहलाएंगे। तमाम हमारे जो पुराने फ्रीडम फाइटर थे, जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर के हिंदू को आजाद कराया। मैं तमाम देशवासियों को, तमाम मजाहब के लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों से कहता हूँ कि बच्चे, ये जो झंडे का कलर है, आपको मालूम है झंडे का कलर किसने दिया है? बताइए किसने दिया है? मैं तमाम टीचर से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ये बताए कि ये जो झंडे का कलर है, उसने किसने दिया? आपको अपने मुल्क में जय हिंद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्या आपके मालूम होना चाहिए कि झंडे का जो कलर है, उसने शहरिया चंदन जी ने झंडे को कलर दिया है? और इंकलाब जिंदाबाद का नारा अनुराग साहब ने दिया है, जय हिंद का नारा आदिल अली साहब ने दिया है। इस तरीके के जो नारे हमारे बच्चों को बताना जरूरी है कि वो अपने कल्चर को पहचाने, अपनी तहजीब को पहचाने। हमारा मन जो तहजीब और समझदार का, जो एकता और अखंडता की भाव है, वो बरकरार रहना चाहिए। मैं तमाम बच्चों को, तमाम देशवासियों को, तमाम लोगों को हिंदू का देश आज यहाँ मौजूद है। हमारे दरमियान जी जसवीर भाई मौजूद है, नया नागरिक महसूस शेख मामा, राजीवा मैडम, वैशाली मैडम, तमाम लोग मौजूद है। देखिए, ये जितनी खूबसूरती की बात है कि सब मजहब के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं अपने मुल्क की आजादी के लिए, अपने पेट की रोशनी के लिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मामा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप हमेशा इस तरीके के प्रोग्राम करके तमाम लोगों को जुड़े रखते हैं, स्पोर्ट करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह। स्वतंत्रता दिवस है आज, अपने सोसाइटी में आप लोगों ने झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा है, क्या कहेंगे? ये हर साल होता है और इस साल भी हम लोगों ने मिलके इसको अरेंज किया। हम कुछ इसके बारे में सोचा, बिल्डिंग की और सोसाइटी के भलाई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, काम करते हैं। इसमें तो गुलाम भाई अपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब कि कोई इनके पास मतलब कोई इच्छा ऐसा नहीं है कि इनको किसी से कुछ आना चाहिए, बस ये दौड़ रहे सुबह से शाम तक और बहुत बिल्डिंग के लिए काम किए। कानू भाई आए, उन्होंने भी बहुत काम कराया हमारी बिल्डिंग का। तो हम लोग बस इसी के लिए एक चाहते थे कि गेट टूगेदर भी हो जाए और ये झंडा वंदन का कार्यक्रम जो है सफल हो जाए बस। और उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सभी देशवासियों को ये आजादी के जो पर्व है उसकी बधाई देता हूँ। हमारी सब सोसाइटी की तरफ से आप सभी लोगों को आजादी की बहुत बहुत बधाई। इससे पहले मैं माउंटेन वैली की सोसाइटी वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और जिस आजादी के लिए हमारे वज हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए हमें ऐसे वही तरीके से आज कंटिन्यू लड़ाई करना चाहिए, क्योंकि देश को आज तोड़ने की राजकारण उड़ा और वो जो पुराना वक्त था आज से पहले, जो हमारे बुजुर्गों ने जैसे लड़ाई लड़ी थी, आज हमें भी वही विचारधारा के साथ लड़ना पड़ेगा कि जो देश को आज तोड़ रहे, जो पार्टियां तोड़ती थी, जिस जो पार्टियां 3 रंग के तिरंगे को मानती नहीं थी,
और कभी जिन्होंने इनके कार्यालय में कभी तिरंगा लगाया नहीं, आज वो हर घर तिरंगा की भाषा बोल रहे हैं। तो हमें ऐसी फिरका परस्त की ताकतों से होशियार रहना और उसे मुंह तोड़ जवाब देना, ताकि हमारे देश की यूनिटी एकता कायम। सबसे पहले मैं अपने थाना के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर और पूरे पुलिस विभाग की ओर से स्वतंत्र दिन की मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं सवेरे से पूरे मुंबरा में घूम रहा हूँ, हर सोसाइटी में मुझे इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छा कल्चर है, ये कल्चर देख के ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में ऐसा ही स्वतंत्र दिवस और प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेट होना चाहिए। इससे सबके एक दूसरे से पहचान बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे की कुछ समस्या रही तो वो शेयर कर सकते हैं। आपको मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा ही भाईचारा बनाए रखे और जो मुंबरा का जो माहौल है, सब धर्म सब समाज के लोग एक साथ सब त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, एक मिसाल है पूरे वर्ल्ड के लिए कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे धर्म है, इतने सारे स्टेट है, इतनी सब भाषा है, सभी अपन सब एक है। ये वर्ल्ड में कहां पे वैसा भाईचारा दिखता नहीं। और जो मुंबरा में जो चल रहा है, हर त्योहार एक साथ मिलकर एक दूसरे दूसरों के त्योहार में सबने इन्वॉल्व होना और सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी मिसाल है, जो अपना नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। जो जो अपने देश के बड़े महान लोग हो गए, जिनके बलिदान से अपन को आजादी मिली है, उनका सपना अपन ऐसा ही भाईचारा बना के रखेंगे तो उनका सपना अपन पूरा कर सकेंगे, अपन महासत्ता बहुत जल्दी बन सकते हैं ऐसा भाईचारा रहा तो।